आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि एक बार शनिदेव को हनुमान जी के डर की वजह से स्त्री बनना पड़ गया था। गुजरात में भावनगर के सारंगपुर में हनुमान जी की अति प्राचीन स्थित कष्टभंजन हनुमान जी के नाम से एक जगह है, मतलब उस मंदिर को हम लोग कष्टभंजन हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी के पैरों में स्त्री रूप में शनि देव बैठे हुए हैं। सभी जानते हैं कि हनुमान जी स्त्रियों के प्रति विशेष आदर और सम्मान का भाव रखते हैं, ऐसे में उनके चरणों में किसी स्त्री का होना आश्चर्य की बात है। लेकिन इसका संबंध एक पौराणिक कथा से है जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों शनि देव को स्त्री का रूप धारण कर हनुमान जी के चरणों में आना पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं कि कष्ट भंजन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में शनिदेव स्त्री रूप में क्यों है। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी और शनिदेव जिसे जुड़े अनेकों प्रसंग हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे समय समय पर हनुमान जी शनिदेव को ठीक करते हैं। इनमें से एक प्रसंग यह है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक समय शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ गया था। शनि के कोप से आम जनता भयंकर कष्टों का सामना कर रही थी। ऐसे में लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे शनिदेव के कोप को शांत करें। बजरंगबली अपने भक्तों को कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उस समय श्रद्धालुओं की प्रार्थना सुनकर वे शनि पर क्रोधित हो गए। जब शनिदेव को यह बात मालूम हुई कि हनुमान जी उन पर क्रोधित हैं और युद्ध करने के लिए उनकी ओर आ रहे हैं तो वे बहुत भयभीत हो गए। भयभीत शनिदेव ने हनुमान जी से बचने के लिए स्त्री रूप धारण कर लिया। शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। हनुमान जी शनिदेव के सामने पहुंच गए, शनि स्त्री रूप में थे। तब शनि ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और भक्तों पर से शनि का प्रकोप हटा लिया। तभी से हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की तिरछी नजरों का प्रकोप नहीं होता है। शनि दोषों से मुक्ति हेतु कष्ट भंजन हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। सारंगपुर में कष्ट भंजन हनुमान जी के मंदिर का भवन काफी विशाल है, यह किसी मेले के समान दिखाई देता है। मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। कष्ट भंजन हनुमान जी सोने के सिंहासन पर विराजमान है और उन्हें महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा के आसपास वानर सेना दिखाई देती है। ये मंदिर बहुत चमत्कारी है लोग कहते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि कुंडली में शनि दोष हो तो भी कष्ट भंजन के दर्शन से ही दूर हो जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही आकर्षक है। मंदिर की स्वयं की अपनी वेबसाइट भी है और हनुमान जी के दर्शन की लाइव दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।